हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2B का एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है डिवाइड 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलीनोमियल्स पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है उसको अच्छे से समझने के लिए आप इसके जस्ट पहले वाले वीडियो को देख लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में दे रहा है कि डिवाइड 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, यानी कि इस पॉलीनोमियल को इससे डिवाइड करना है, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिदम को भी वेरीफाई करना है। क्लियर है? चलिए तो दो पॉलीनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं इसको हम क्लास 9th में भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ भी हम इसको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, तो पहले जो पॉलीनोमियल दिया गया है उसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लाइक fx, px, gx जो भी है। ठीक है ना, वैसे हम बताए थे कि इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करना है तो ये डिविडेंड होगा, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइजर होगा। तो जनरली हम डिविडेंड को fx px से रिप्रेजेंट करते हैं और डिवाइजर को gx से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे लेट fx, मान लेते हैं डिविडेंड को, लेट fx इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइजर को हम gx मान लेते हैं जो कि है 2 माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखेंगे, किसी भी पॉलीनोमियल को डिवाइड करने से पहले हम डिविडेंड और डिवाइजर को चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर है तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए वेरिएबल के जो पावर होते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा पहले 2x स्क्वायर आएगा क्योंकि यही हाईएस्ट पावर है, फिर इसके बाद माइनस एक्स आएगा और यहाँ पे प्लस 3। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 है, तभी यहाँ पे 1 आ रहा है। क्लियर है? चलिए, और यहाँ पे इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो माइनस एक्स प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसके बाद डिवाइड करना है। तो अब दो पॉलीनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, 2x स्क्वायर है। ठीक है, डिवाइजर का पहला टर्म क्या है, माइनस एक्स है। तो डिविडेंड के पहले टर्म को हम डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी रिजल्ट आया है माइनस 2x उसको हम यहाँ पे कोशेंट पे लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि माइनस 2x से अब डिवाइजर के सारे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो ही टर्म है तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस पहले प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, और लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, यानी कि अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है तो उसी के नीचे लिखना है। क्लियर है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म को। उसके बाद है प्लस 2 इंटू माइनस 2x, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 2 इंटू 2 4, यानी कि 4x हो जाएगा, तो 4x को x वाले टर्म के नीचे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, सिंपल सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो नीचे वाला जो भी टर्म्स है ना, इसके साइन को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर के साथ कौन सा साइन है, प्लस है, कुछ नहीं रहते हैं कि प्लस है, तो इसको हम चेंज करके माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन को हम चेंज कर देते हैं। क्लियर है, अब जो नया साइन है उसके साथ हम कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 4x माइनस एक्स ये हो जाएगा प्लस 3x। ठीक है ना, अब इस साइन को कंसिडर नहीं करना है, पुराने वाले साइन को, अब नए वाले साइन को कंसिडर करना है, और ऊपर क्या है प्लस 3, तो एज इट इज नीचे आ जाएगा। क्लियर है, अब फिर से चेक करेंगे कि क्या हम इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग तब तक डिवीजन प्रोसेस करते रहते हैं जब तक जो रिमाइंडर का डिग्री है वो डिवाइजर के डिग्री से छोटा ना आ जाए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे इसका डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, यानी कि अभी भी डिवाइड होगा। तो कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे पहले स्टेप में किए थे जस्ट वैसे ही करेंगे। यहाँ पे डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, 3x है, डिवाइजर का पहला टर्म क्या है, माइनस एक्स है। ठीक है ना, तो 3x को माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल किया जाएगा माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस 3 लिख देंगे। अब इस माइनस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 3x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस 6। ठीक है, फिर से साइन चेंज करेंगे नीचे वाले टर्म्स का, तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया। क्लियर है,
तो अब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और 9 एक कांस्टेंट होता है, तो किसी भी कांस्टेंट पॉलीनोमियल का जो डिग्री होता है वो 0 होता है, बताए थे। तो यानी कि यहाँ पे डिवाइजर का डिग्री 1 है और यहाँ पे रिमाइंडर का डिग्री 0 आ रहा है, यानी कि अब हम डिविजन प्रोसेस को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, यहीं पर हम इसको रोक देंगे, क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारा कोसेंट क्या आ रहा है, कोसेंट क्यू एक्स, कोसेंट को जनरली हम क्यू एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि -2x -3 आ रहा है, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है ना। वैसे हमको मतलब कोसेंट और रिमाइंडर अलग अलग से नहीं पूछा है, लेकिन अगर हम डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करेंगे तो इसका यूज होगा। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, तो हम बताए थे डिवीजन एल्गोरिदम कुछ नहीं होता है, वो होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, जो हम चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़े थे रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में, क्लियर है। तो वही चीज यहां भी है डिवीजन एल्गोरिदम, केवल नाम चेंज हो गया है, वहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा था, यहां पे डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलीनोमियल्स है, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे हम डिविडेंड को एफ एक्स से रिप्रेजेंट किए हैं, तो हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइजर को जी एक्स से रिप्रेजेंट किए हैं, तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, बस। अब इसी को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने का मतलब एलएचएस को आरएचएस के इक्वल दिखा देना है केवल, ठीक है। तो चलिए फिर इतना पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको वेरीफाई भी करते हैं। अब हम डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले हम आरएचएस वाला एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है ना, आरएचएस को हम एलएचएस के इक्वल प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो आरएचएस इज इक्वल टू, आरएचएस क्या है हमारा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आरएक्स, ठीक है ना। तो जी एक्स -2 -x प्लस 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी एक्स की जगह पे -x प्लस 2, और यहाँ पे क्यू एक्स कितना आ रहा था, -2x -3 आ रहा था, और आर एक्स 9 आ रहा था, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस नहीं भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पहले टर्म के साथ प्लस नहीं लिखते हैं जनरली। तो यहाँ पे एक्स इंटू 2x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 3x, और यहाँ पे ये -4x, और ये हो जाएगा -6 प्लस 9, ठीक है। तो 2x स्क्वायर, अब देखिए ये भी x वाला टर्म है, ये भी है, लाइक टर्म से ऐड कर सकते हैं, तो प्लस 3x -4x -6 हो जाएगा, सही है ना, और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 3, क्लियर है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर -x प्लस 3 किसके इक्वल है, fx के इक्वल है, ठीक है, 2x स्क्वायर -x प्लस 3, यानी कि लिख देंगे इज इक्वल टू fx, यानी कि डिविडेंड के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए थे कि RHS वाला एक्सप्रेशन लिए थे, इसको सॉल्व करके LHS के इक्वल दिखाएं, ठीक है, तो इक्वल आ भी रहा है, तो वेरीफाइड हो गया है, तो लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, इतना सिंपल है, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स की जगह पे डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि पॉलीनोमियल चैप्टर है तो इसको हम उसी से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे जनरली हम पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स ही लिखिएगा आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें, आसान क्वेश्चन था, दो पॉलीनोमियल को डिवाइड करना था और डिविजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। तो कहीं भी कोई डाउट लगे या समझना है, जरूर आप उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।